अशोक यादव जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। क्या पिछली बार आप आए थे डिबेट में तो कह रहे थे कि बात बन गई है, दो सीटें छोड़ दी हैं और लड़ेंगे। तो बिगड़ी कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता बात बिगड़ी है। अभी अभी हमारे राष्ट्रीय जी का अभी ताजा तरीन बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस साथ गठबंधन हमारा है। तो अगर पार्टी के मुखिया कह रहे हैं गठबंधन है और सीट अभी नॉमिनेशन पूरा सीटों का तो हुआ नहीं है, उन्होंने भी बात कहा कि अभी भी है, हम लोग बात करके मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक गठबंधन हमारा रहेगा। तो अच्छा, पेच महाराष्ट्र का फंसा हुआ है, वहाँ 12 मिले तो यहाँ बात बने, तो फिर बीजेपी वाले ठीक आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन वहाँ नहीं हो रहा महाराष्ट्र में, इसीलिए यूपी में अटकाए बता रहे हैं। आपने सुना होगा प्रवक्ता की बाइट, अभी एसएन सिंह भी बता देंगे कि लड़ाई असल में आप क्या ज्यादा तगड़ी है, अब थोड़ा अंदर अंदर चल रही है, खुल के नहीं आ रही है। भाई गठबंधन में ये कौन सी दोस्ती होती है कि अलग से 6 सीटें पहले डिक्लेयर की और फिर एक और कर दी और कह रहे हैं बातचीत भी चल रही है, तो सब कर लीजिए 9 में 9, एक पे तो अभी चुनाव होना नहीं है कटेरी, वरना तो आपने कर ही ली थी 8 सीटें, और गाजियाबाद आप भी नहीं जीते लंबे समय से। देखिए पुष्कर जी, चूंकि समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश में, अगर हम अपने हिसाब से रणनीति बना करके प्रत्याशियों को जल्दी से नहीं उतारेंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जो हमारी जीती हुई सीटें थी और जहाँ पे हमारा जनाधार है वहाँ पे हमने कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी से है और रहेगा, अभी सारी सीटों का नॉमिनेशन नहीं हुआ है और कम सीट ज़्यादा सीट का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा गठबंधन रहेगा। बात है भाजपा को हराने की, अब वो सीट कांग्रेस पार्टी लेके हरा दे या हम लेके हरा दें, ये बात यही खाली अटकी हुई है, ये इन बात दो सीटों पे है जी। और मैं आपको बताऊं, खैर सीट पे इकलौता इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पहली बार 1000 या 800 वोटों से आगे हुई थी, इतना बड़ा दिल दिखा दिया कि जिस सीट पे इतिहास में कभी आगे नहीं हुई थी कि वो कांग्रेस को दे दी, और कांग्रेस लेने को नहीं तैयार है। ये दोस्ती कैसे हो रही है आप लोगों की? पुष्कर जी, दोस्ती हमारी है, देखिए आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। देखिए आप जब मध्य प्रदेश के लेकर के जो बवाल हुआ था, हाँ, ये समय, अब धागे खुल रहे हैं, हाँ अब वो सिरे पकड़े आ रहे हैं। उस समय लोगों को यही लगा था कि कांग्रेस पार्टी और सपा गठबंधन असंभव है, लेकिन फिर भी उस असंभव टास्क को हमने संभव किया और एक बेहतरीन सफलता भी अर्जित किया उत्तर प्रदेश में। तो ये तो बहुत छोटा चुनाव है पुष्कर जी, उपचुनाव बहुत छोटा चुनाव है, उसके आगे क्या है, उसके इसका कोई मायने नहीं, जिससे सरकार बननी है ना बिगड़नी है कोई मतलब नहीं, लेकिन ये एक सिंबॉलिक मैसेज इससे जाएगा। तब फिर आपके अध्यक्ष जी ये क्यों आज कह रहे थे करल में, मैनपुरी में, कि बीजेपी चुनाव में फायदे के लिए दंगा करा रही है? बिल्कुल, ये तो आप ऑफिशियल प्रवक्ता है और आप मान रहे हैं कि न सरकार गिरनी है, न बचनी है, न बिगड़नी है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना पुष्कर जी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब लोकसभा चुनाव में हमारा कांग्रेस से कितना बवाल होने के बाद गठबंधन हुआ, हम लोग सफलता अर्जित किए, तो ये चुनाव बहुत छोटा उसके आगे है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तो इस चुनाव को लेकर के हम लोग एक दो सीट को लेकर के गठबंधन नहीं तोड़ने जा रहे हैं, आप देखिएगा बस एक दिन दो दिन, ज्यादा से ज्यादा एक दिन या दो दिन, मैं फिर आपको कह रहा हूँ गठबंधन बकायदे हमारा जो है होगा उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी, क्योंकि हम लोगों के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ही है, हम लोगों की विचारधारा एक है, इसलिए गठबंधन भी एक रहेगा, ये मैं ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। बड़ा जल्दी समाजवादियों की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से, ठीक है आपका कॉमन एनिमी हो सकता है बीजेपी को भी बाहर करना, लेकिन विचारधारा तक लोहिया की विचारधारा कांग्रेस आई नहीं, मैंने तो बुलवाया था अपने प्रोग्राम में, लेकिन आज आपने तो अद्भुत बात बताई कि कांग्रेस की विचारधारा ही एक हो गई है, तब तो ठीक है। एसएन सिंह साहब, आप लोग क्यों ये झगड़ा लगवाने में जुटे हैं? आप खुद ही नहीं अपने पार्टी प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं? गांव में बुजुर्ग बड़े एक अच्छी कहावत कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दाबे से ना दबे जानत सकल जहां।
भैया पुष्कर जी कब गठबंधन था, ये तो ठगबंधन था। ठगबंधन भी देखिए कैसे, पश्चिम बंगाल में नहीं था, दिल्ली में था, पंजाब में नहीं था, दिल्ली में था, केरल में नहीं था, दिल्ली में था, हरियाणा में नहीं था, दिल्ली में था, जम्मू कश्मीर में नहीं था, दिल्ली में था। तो ये ठगबंधन था, अपने अपने सम्मान को बचाने का एक ठगबंधन। आज भी देखिए भाई, दो पार्टियों की आज चर्चा हो रही है, एक ही उत्तर प्रदेश में सूर्य डूबे पता नहीं कितना दिन हो गया, कोई हैसियत नहीं, और एक उत्तर प्रदेश से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। दोनों कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी को रहे, अच्छी बात है भाई। हरियाणा चुनाव का परिणाम इस कदर इन लोगों को कर दिया है कि एक दूसरे को अलविदा कहने पे लगे। अरे भाई आप सपा कांग्रेस को अलविदा करिए, कांग्रेस सपा को अलविदा करिए, लेकिन दोनों को नहीं पता है कि दोनों को जनता अलविदा कर दी है। पुष्कर जी जानते हैं एक नैरेटिव गढ़ा गया उत्तर प्रदेश और जो मूल चुनाव चल रहा था, आम चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उसमें क्या क्या गढ़ा गया, किसानों की बात कही गई। भैया किसान तो केवल दिल्ली के ही पास रहते थे, कर्नाटक में तो जो 1200 किसान मरे वो तो किसान है नहीं, वो तो कहीं से और है, क्योंकि वहां तो कांग्रेस की सरकार है। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी सरकार पुष्कर जी नहीं चला पा रही है, हम आएंगे तो बड़ी अच्छी सरकार चलाएंगे। बड़ी महंगाई हो गई है, चार ही बार जो है वो डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए कर्नाटक में, बिजली का दाम बढ़ा दिए, बसों का किराया बढ़ा दिए, और इनकी सहयोगी की एक सरकार हिमाचल में जहां दिल्ली देने के लिए भी पैसे नहीं। अब समाजवादी पार्टी की बात देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की तो हालात ऐसी हो गई है कि भैया सुप्रीम कोर्ट को भी गाली दे देंगे, ईवीएम को भी गाली दे देंगे, और समय मिलेगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी गाली दे देंगे, और ज्यादा अगर आप बोलेंगे तो कहते हैं कि एंकर को तो हम वहीं से उठवा लेंगे, एंकर को स्टूडियो से उठवा लेंगे, हमारी सरकार बनने तो दीजिए। तो इस इंतजार में बैठे हैं, तो जनता तो इस इंतजार और हाहाकार को समझ रही है, अत्याचार को समझ रही है कि एक लोग जातिवाद का एजेंडा चलाते हैं। बात तो पीडीए की करते हैं, पीडीए की बात क्यों क्यों होना चाहिए। चार बार इनकी सरकार रही, पीडीए दिखा नहीं, दिखा जरूर वो पीडीए, और ये कहते सही है केवल हम लोग समझते नहीं है। पुष्कर जी इनका पीडीए जानते हैं क्या होता है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब पिताजी मुख्यमंत्री, उनके बेटा मुख्यमंत्री, चाचा सांसद, बड़े वाले चाचा सांसद, भाई भतीजा जितने हैं 28 लोग मंत्री मुख्यमंत्री संतरी सब बन जाए, पीडीए चलता, टिकट का बंटवारा इसी बार का देख लीजिए। भैया तेज प्रताप यादव अपने परिवार की पार्टी, परिवार को टिकट, किसी की बहन को टिकट, किसी की माता को टिकट, किसी की बेटी को टिकट, किसी के बेटे को टिकट, पीडीए हो गया। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि कौन कितना पानी में है। अब इन्होंने कहा कि भाई बड़ा छोटा चुनाव, मतलब हम हार भी जाएंगे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम जरूर अपने वालों के साथ खड़े रहे। खड़े भी देखिए पुष्कर जी कैसे कैसे होते हैं। भैया अगर मुस्लिम समाज का व्यक्ति किसी का गला काट दे तो भी इनके लिए जाए, अगर कोई दुष्कर्म कर दे अयोध्या कन्नौज में तो भी इनके लिए जाए, किसी को गोली मार दे तो भी इनको जाए, और कहेंगे तो चुनाव के लिए होता है। तो पूछ लेना चाहिए आपको, क्योंकि भाई चोर तो सबको चोर समझता है, तो ये पूछ लेना चाहिए कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था आपने चुनाव के लिए करा, तो परिणाम तो आपके पक्ष में हुआ नहीं। रामपुर में, सहारनपुर में, कानपुर में, बदायूं में, बरेली में, कन्नौज में 700 दंगे आपने उत्तर प्रदेश में करा, रिजल्ट क्या हुआ? दंगे कराने का परिणाम सार्थक नहीं होता। इस नाते अपने ऐसे विचारों को त्याग दीजिए, गाली देना बंद करिए, और मैं तो कह रहा हूँ रामचरितमानस को जलाना शायद बंद कर दिए हैं लोग, अब गाली देना भी बंद करेंगे। जनता इतनी सुंदर इलाज करती है, जानते हैं पुष्कर जी, जनता जैसा इलाज कोई करता नहीं है। अहंकार, अहंकार हो गया है सीट पाने का। अरे भाई तीन तीन बार केंद्र में अगर किसी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी। उत्तर प्रदेश में लोगों ने आपको 10 सीट क्या दे दिया, आप गाली देने पे उतारू हो गए। आप कह रहे हैं कि नहीं हमको तो राजपूतों का वोट नहीं चाहिए, हमको तो ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, हमको तो बनिया का वोट नहीं चाहिए, हमको तो मौर्य का वोट नहीं चाहिए, हमको तो चौहान का वोट नहीं चाहिए, हमको तो जाट का वोट नहीं चाहिए। तो चाहिए किसका भैया? तारा लेकर एक अल्पसंख्यक की बात चलिए तो हम ये मानकर चल रहे हैं चौहान साहब कि ना हम बटेंगे, ना हम कटेंगे और ना घटेंगे, क्योंकि 1192 में भी 250 घुड़सवारों के साथ कोई आया था और हम बटे इसलिए कट गए। 1194 में भी जब सोमनाथ पे आक्रमण हुआ था तो 200-300 लोगों के ऐसे से आप उपचुनाव पे रहते हैं, 1400 में भी यही था हम बटना कटना और घटने से। ये बताइए ना कि आपके यहाँ सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा? मैंने सुन लिया आपने एट लेंथ बोला 4 या 5 मिनट। पुष्कर जी अच्छी बात है आपने कहा, हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा, अच्छी बात है। देखिए जानते हैं क्या होता है, कहाँ हारमोनिया बज रहा है और कहाँ बैंड बाजा बज रहा है वो सब सुनाई देता है।
भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ बहुत सुंदर तरीके से 2014 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे बनती है तो भी सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाने का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि अभी जले पे मिर्च छिड़क दे, जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस की हार होती है उसी दिन शाम को आप डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं मैं आपके हैसियत उत्तर प्रदेश में आइए दिखाता हूँ। ये सवाल मैंने उनसे ले लिया, ये सवाल लिया आपसे। अब आप बताइए, संजय निषाद, जयंत चौधरी, कहाँ कहाँ किसको दी सीट, किसको? अब तो 21 तारीख शाम हो गई पुष्कर जी, मुझे लगता है कि कल जब हम लोग मिलेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे ना एक दूसरे को फोन पे, अच्छा, तो उस लिस्ट के साथ गुड मॉर्निंग करेंगे। और क्योंकि जो है देर किस बात की भाई, तैयारी पूरी है, माइक्रो मैनेजमेंट है, विकास पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वैसे भी अशोक भाई का है इस चुनाव से होना जुना क्या है, तो बड़े छोटा चुनाव है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विकास की बहार और विकास की डोर जो है वो सब लोग जानते हैं कि सरकार के हाथ में होती है भाई। इनके अगर कहीं विधायक जीत भी जाए तो विकास के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के ही पे आश्रित रहना पड़ेगा। तो जनता सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से क्यों ना कनेक्ट हो जाए। इस नाते भारतीय जनता पार्टी 9 में 9 सीटें जीतने जा रही, हमारे मित्र हैं अशोक जी। इस नाते अशोक जी ने एक कदम पहले ही ये बात स्वीकार लिया, छोटा चुनाव, हमारा कोई प्रभाव नहीं, हमारा कोई वो गठबंधन पे कह रहे थे मैं लड़ाई नहीं लगवाऊंगा अगर अशोक जी आपके मित्र हैं। उन्होंने गठबंधन पे, कांग्रेस के साथ गठबंधन पे बोला, आपने उनको चुनाव की हार मनवा ली। ये तो दोस्ती ठीक नहीं है ना, जब दोस्त हैं वो नहीं अच्छे दोस्त हैं, पूछ लीजिएगा अशोक भाई को। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि आप देखिए कितनी बड़ी बात है, दुनिया में इस चीज को आपके दर्शक समझेंगे। देखिए सभी पार्टियों को अपने अपने विचारधारा होती है, अपने अपने राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि कोई भी पार्टी आजीवन किसी के साथ जुड़ी रहे। लेकिन दुनिया का एक पहला मिसाल एक देखे होंगे इस घमंडिया गठबंधन का, कि मतलब साथ थे भी और नहीं भी थे, नहीं तो कोई भी कम से कम उस समय तक तो साथ रहता। लेकिन अभी जो आम चुनाव था उसमें भी ममता बनर्जी नहीं साथ थी, मतलब केवल दिल्ली के लिए साथ थी, अगर बाकी नहीं रहेंगे। केरल में लेफ्ट कर रहा था, हम साथ नहीं रहेंगे। पहली बार आपकी बात आ गई,